गुड 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 मॉर्निंग 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 टू ऑल ऑफ यू भाई good morning, रोहित कुमार प्रेरणा पूजा कुमारी विवेक कुमार राहुल पल्लवी धनंजय सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्वागत है स्वागत है स्वागत है तो आप सभी को पता है कि आप सभी के लिए मैंने कुछ ही दिन पहले से एक रैंकर्स बैच लॉन्च लॉन्च किया था रैंकर्स बैच का एक ही मकसद था कि हमें किसी भी तरीके से ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पेपर्स के लिए और उस मकसद को लगातार हम पूरा कर रहे थे और आज रैंकर्स बैच का कल आठवा दिन था और आज मैं बोलूंगा इसका नवा दिन रात में शाम को छह बजे से शुरुआत हो जाएगा रैंकर्स बैच क्या खास था रैंकर्स बैच बैच बहुत बेहतरीन था रेलवे ग्रुप डी की हमने हमने इसके खाली हम लॉन्च किया था वनली फॉर रेलवे ग्रुप डी जिसमें आपको एक मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट कराया जा रहा था उस का कंप्लीट वीडियो सोलूशन आपको कराया जा रहा था पूरी मॉक टेस्ट की कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन सहित पीडीएफ आपको दी जा रही थी और उस मॉक टेस्ट का ऐसा प्रारूप तैयार करके आपको दिया जा रहा था जिसको आप आसानी से प्रिंट आउट निकाल के डेली उसकी प्रैक्टिस कर पा रहे थे बट <coughs> <tos soutanément> कल कुछ ऐप में दिक्कतों की वजह से मैं कल रात वाली जो रैंकर्स बैच में ऐप में क्लास नहीं ले पाया तो मैंने सोचा आज यूट्यूब पे क्लास करते हैं और क्वेश्चंस का लेवल क्या है ये बहुत सारे बच्चों को दिखाते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल था नहीं है सर रैंकर्स बेस्ट अच्छा हां रैंकर्स बेस्ट तो बेस्ट है सही बात है रैंकर्स है, बेस्ट था नहीं रैंकर्स बैस है ठीक है और हमने ये सोचा कि भाई क्यों ना बच्चों को एक बार जो क्वेश्चंस उसकी क्वालिटी दिखाई जाए कि आखिर हम किस हिसाब से क्वेश्चंस की क्वालिटी यहाँ पर रैंकर्स बैच में बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं किस हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चंस हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं क्या ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होते हैं या क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं क्या ये क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के होते हैं क्या क्वेश्चन में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं कि नहीं होते एकदम सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री में देखने को मिलने वाला है और ये सिर्फ और सिर्फ आज के दिन ही यूट्यूब पे चलेगा इसके बाद फिर शाम को से अपना ऐप पे चलना शुरुआत हो जाएगा ठीक है, है? चलिए गुड मॉर्निंग एवरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग जल्दी से ला जाइए गुड मॉर्निंग भाई रश्मि मधु शांतनु भावेश विवेक जी सभी बच्चों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है चलिए तो शुरुआत करते हैं रैंकर्स बैच के आठवें दिन का

मैंने कहा एक बार क्यों ना बच्चों को डेमो दिखा दे क्योंकि मुझे पता ऑलरेडी बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी एक बार डेमो दिखा के, और प्रेरित कर पाए सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने कल आपको टेस्ट के अंदर दे रखा था रैंकस बैच के लिए वो ये वाला क्वेश्चन था ये देखा जाए तो ज्योमेट्री का बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता तो है आप सभी बच्चों को भी शायद ये पता होगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कई सारे बच्चे शायद नहीं जान पा रहे होंगे तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा हमारे पास ऐसी भैया ये पीटी बराबर पांच है पी ए बराबर चार है हमसे कहा ये बताओ ए बी बराबर कितना आएगा या फिर डायरेक्टली वो कहे एक्स की वैल्यू कितना आएगा देखो मैक्सिमम बच्चा आंसर्स कमेंट कर रहा है किसी का आ रहा है टू पॉइंट टू फाइव और कई सारे बच्चों का आंसर्स कमेंट आ रहा है ठीक है सचिन कुमार जी का भी आ रहा है रमेश का भी आ रहा है देखो सिंपल क्वेश्चन है ये बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को समझ पा रहे थे अगर हमें बढ़िया तरीके से समझे तो देखिए भाई क्या मेरे पास यही क्वेश्चन बना रहा है उसने यहां से लेकर यहां तक एक लाइन खींची और एक लाइन इसको प्रतिच्छेद कर रही है उसने कहा भैया ये पांच है ये चार है ये एक्स होगा ये पांच है ये चार है ये यह बताओ यहां तक का एक्स क्या आएगा ये पी है ये टी है ये ए है ये बी है देखो एक फॉर्मूला होता है जो हमें मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि वो फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला ये होता है कि पीटी का स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी एकदम इसी तरीके से मैं सलूशन कराता हूं रैंकेस बैच में पीटी का स्क्वायर मतलब कि पांच का स्क्वायर पीए मतलब आपका हो गया चार और पीबी मतलब हो गया चार प्लस एक्स ठीक है पांच का स्क्वायर आपके पास होता है पच्चीस बराबर चार और ब्रैकेट में चार प्लस एक्स अब आप क्या करोगे पच्चीस बराबर चार चौका सोलह और चार अब इधर उसको धर ले आओगे तो इधर आ जाएगा नौ बराबर चार बराबर आ जाएगा नौ बटे चार�

अगर पी ए बराबर पांच सेंटीमीटर है तो पीबी बराबर कितना होगा जरा बताओ यार सभी बच्चा कमेंट करिए और एक बार जल्दी से कमेंट करके ये बताइए रीमा ज्योति गोलू दीपिका रविकांत पिंकी रीमा हर बच्चे जल्दी से बताइए अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में मेरे पास पीए की वैल्यू उसने पांच सेंटीमीटर दे रखी है तो कौन सा बच्चा बता पाएगा कि पीबी की वैल्यू क्या हो सकती है एक बच्चा तुरंत क्या कमेंट करके बताओगे कि सर पीबी भी, भी पांच ही होगी क्यों पांच होगी जरा इस चीज को समझना क्योंकि अगर मैं एक ही वृत्त खींचता हूं और एक ही वृत्त से एक ही पॉइंट से खींची गई स्पर्श रेखाएं या खींची गई टेंजेंट ऑलवेज बराबर होती है इस बात को हमेशा से, हमेशा से ध्यान ऑलवेज बराबर होती है पक्का है पक्का समझ पाए तो ये कल के रैंकस बैच का पहला क्वेश्चन तो जो आपको देखने को मिला था अब दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चंस की क्वालिटी को देखिएगा जबरदस्त शानदार क्वेश्चंस आपके पास पढ़िए जरा क्वेश्चंस और बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चंस का सही आंसर साइन स्क्वायर चार साइन स्क्वायर नौ लेते 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 मैंने साइन स्क्वायर नब्बे तक आपसे क्वेश्चन पूछा और मैंने कहा भाई मेरे ये बताइए कि सभी में से इसका सही आंसर क्या हो सकता है पांच आ रहा है पांच आ रहा है इसका आंसर बताइए मुझे मोहित कुमार जी मांग किरण जी वासु सैफ अली हर बच्चा जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है क्या लगता है कि आपको यार इसका सही आंसर ये होना चाहिए था और कुछ आइडिया आप लोगों ने सोचा कि यार इसका आंसर ये होना चाहिए और कुछ आइडिया देखो बहुत बढ़िया दस आ रहा है कई सारे बच्चों का दस आ रहा है अरे साढ़े दस साढ़े नौ साढ़े आठ दस 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 कंफर्मेशन है, 100 गारंटी है। मुझे चार है तो साढ़े चार फिर नौ हो गया यानी साढ़े चार साढ़े चार साढ़े चार बच बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा तो इससे पहले क्या साढ़े पचासी होगा क्योंकि साढ़े पचासी में जब साढ़े चार जोड़ोगे तभी तो नब्बे मिलेगा तो क्या इससे पहले साढ़े पचासी होगा और क्या साइन नाइन की वैल्यू वैल्यून होती है होती है ना इससे तो मुझे वैसे भी कोई मतलब नहीं नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू तो मुझे वैसे भी पता है है नहीं है अच्छा, है कि अच्छा ठीक आओ जरा आगे बात करते मैं देखूंगा तो साइन साढ़े चार से लेके ये पूरी सीरीज साढ़े पचास तक है और मैंने यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में पढ़ा रखा है जब भी साइन की सीरीज आती है तो आखिरी में से मैं क्या करता हूं पहले माइनस कर लेता हूं अब पचासी में से चार माइनस करोगे तो इक्यासी आएगा आधे से आधा कट जाएगा डिफरेंस जो होता है उससे डिवाइड कर लो साढ़े चार का डिफरेंस आ रहा है यानी दो का डिफरेंस आ रहा है आप डिवाइड करोगे नौ नौ इक्यासी नौ दूनी नी जो भी आता है उसका आधा कर लो और बाद में मैं क्या करता हूं यही जो, में हू। जो हू, बाद में मैं आधा इसमें जोड़ देता हूं जो तो भी आता है उसका आधा करता हूं बाद में मैं आधा जोड़ देता हूं तो आंसर साढ़े नौ आना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक और यहां पे साइन नब्बे है, एक और बचा हुआ है तो फाइनली इसका आंसर फाइनलीस आएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए आएगा बहुत बढ़िया अब सोचो कितने सारे बच्चों का ये क्वेश्चंस गलत हो रहा है ना अपने आप आप सोच पा रहे हो कि इसका आंसर कितने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं तो इसका आंसर एक्चुअली दस होगा और विश्वास मानिए क्वेश्चंस पेपर का ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आया हुआ

मैंने फ्री में यूट्यूब पर पढ़ा रखा जो तो बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा डाल लीजिएगा टिग्नोमेट्री एम डी क्लासेज या टिग्नोमेट्री सत्यम सर आपको सिंपल आसानी समझ में आएगा कुछ नहीं करना होता सिंपल सा 89 में से 1 माइनस करोगे 88 आएगा जो भी डिफरेंस होता है उससे डिवाइड कर देते हो और देन उसका आधा कर देते हो और बाद में मैं आधा क्यों जोड़ता हूं क्योंकि साइन स्क्वायर पैंतालीस बचता है और इसका आंसर साढ़े चौवालीस सा आ रहा होता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ताकतवर शानदार जबरदस्त जिंदाबाद इस क्वेश्चन का यही आंसर आएगा और ऐसे ही हम ऐसे क्वेश्चन निकाल पाते नहीं पढ़ा आपने तो पढ़ लीजिए नंबर सिस्टम क्लास तो सुबह नौ बजे चलेगी और ये आज सिर्फ आपके लिए डेमो क्लास मैंने लेकर आ गया यूट्यूब पर कि चलो बच्चों के बहुत फ्री में दिखा देते हैं कि रैंकर्स की क्वालिटी क्या है क्या मिलता है रैंकर्स में क्योंकि आज डिस्काउंट का आखिरी दिन है आज के बाद रैंकर्स रैंकर्स बैच बैच में में डिस्काउंट बंद हो रहा है और रैंकर्स बैच में आपको फिर एडमिशन से ऊपर पे होगा तो आज सिर्फ आप ये एडमिशन मात्र मात्री के डिस्काउंट पे रुपए में एडमिशन ले सकते हो अगर आप चाहिए तो पच्चीस दिन पच्चीस प्रैक्टिस तो और सिर्फ अभी आठ दिन ही बीते हैं अगले क्वेश्चन जो आपको तीसरे दिन के मिल रहे थे पढ़िए क्या होगा एक बार बच्चों के लिए कमेंट पिन कर दीजिए और हर जगह कमेंट दीजिए नोटिफिकेशन वगैरह पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात पचास परसेंट लड़के और पच्चीस के लिए अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो देखो नीचे भी कूपन कोड चल रहा है और आपको ऑलरेडी कूपन कोड को लगा देना रैंकर्स ठीक है और कहा मिलेगा हमारे ऑफिसियल ऐप पर मिलेगा पहला ही आपके लिए पेज यही होगा बहुत बढ़िया मीनू सचिन वासु मोहम्मद वहाब मधु रीमा बहुत बढ़िया आसान क्वेश्चन है सिंपल है देखो भैया बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा क्या मैं इसको 800 और 1200 नहीं मान सकता बिल्कुल मान सकता हूं 50 परसेंट लड़के और 25 परसेंट लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली नहीं मिलने वाली हमसे पूछा गया तो जरा नहीं मिलने वाली देखो अगर 50 परसेंट लड़कों को मिली होगी तो 50 परसेंट लड़कों को नहीं मिली होगी यानी चार बच्चों को नहीं मिली पच्चीस परसेंट लड़कियों को मिली यानि 75% लड़कियों को नहीं मिली होगी तो बारह सौ रुपए का जब मैं 75% परसेंट निकालूंगा तो कितना आएगा 25 या 75 25 सौ चार तिया बारह तीन त्रिका नौ यानी 300 लड़कियों को नहीं मिली होगी तो टोटल कितने को नहीं मिली 1300 लोगों को किसमें से बारह आठ बीस यानी दो लोगों में से इन दो जीरो से दो जीरो आपने काटा ये काटा ये आपने काटा पैंसठ परसेंट क्या यही सभी का आंसर आ रहा था कोई एक्स मानने की जरूरत नहीं है सिंपल क्वेश्चन है हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम बिना किसी परेशानी बहुत इजी तरीके से समझ में आ चुका सभी को क्लियर लग रहा है ये क्वेश्चन आसान लग रहा है एवरी एंड एवरीबडी चलिए ठीक है अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या हो रहा है चलिए आपके रैंकर्स बैच का जो हमने कल चौथा क्वेश्चन दे रखा था ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जाम्स चाहे हम रेलवे की बात करेंगे चाहे हम एसएससी की बात करेंगे चाहे हम किसी भी एग्जाम की बात करेंगे और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक की संख्या अपने आप बढ़ जानी चाहिए इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या कहता है एक बर्तन में दूध और पानी का मिक्सचर दे रखा है और हमने पूरे मिक्सचर से छब्बीस लीटर बाहर निकाल लिया है और दस लीटर पानी उसमें मैंने डाल दिया अगर देखा जाए तो अब हमारे पास दूध और पानी का मिक्सचर पांच और दो हो चुका है तो स्टार्टिंग में कुल मिला के कितना पानी, कितना पानी मिक्सचर था क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया बहुत शानदार सा क्वेश्चन बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन पढ़िए और बताइए बहुत बढ़िया और ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखे हैं आपको एकदम परेशानी की आवश्यकता नहीं है कि सर अरे क्या ये ऐसे कैसे हो गया इतना बड़ा भयंकर क्वेश्चन कैसे आ गया एकदम मैंने करा रखा है चलो कितना बच्चा अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता तो वाकई वो छोड़ के चला आता कहता कि सर नहीं ऐसे क्वेश्चन तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा जरा कमेंट बॉक्स में नो बोल दीजिए एस पी के मधु शिवम फरहान मनीष चंदन वासु सबके सब कितना बच्चा नहीं कर पाता इस क्वेश्चन का अगर पेपर में आता तो नहीं कर पाते आप नहीं कर पाते नहीं कर पाते नहीं कर पाते ठीक है आइए आते जरा क्वेश्चन समझते हैं दूध और पानी के मिक्सचर के बारे में बात कर मैंने एक तरफ लिखा मिल्क एक तरफ लिखा वाटर पहले अनुपात क्या था दस और तीन था क्या दस और तीन था बाद अनुपात पांच और दो हो गया अब आओ क्वेश्चन को पढ़ो हुआ क्या कि मैंने छब्बीस लीटर का पूरा मिक्सचर बाहर निकाला बट आगे उसने एक बड़ी बढ़िया बात कह दी कि हमने दस लीटर पानी मिला दिया अगर दस लीटर पानी मिला है यानी दूध का रेशियो तो बराबर होना चाहिए तो नीचे भी क्या दूध का रेशियो बराबर होना चाहिए तो एक्चुअली में अब हमारे पास जो रेशियो आएगा वो दस तीन और दस चार आना चाहिए हमारे हिसाब से मैंने एक रेशियो का पानी मिलाया लेकिन वो क्वेश्चन में कहता नहीं तो मैंने दस लीटर मिलाया तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी दस आ जाएगी अब आगे आपको सोचो कि मुझे एक रेशियो की वैल्यू तो दस आ गई अब जरा आगे पढ़ोगे क्या हो पाएगा एक रेशियो की अगर वो दस आ गई अब उसने कहा था कि ये बता दो बर्तन में प्रारंभ में कितना मिक्सचर था मुझे प्रारंभ के मिक्सचर की वैल्यू चाहिए कि प्रारंभ में कितना मिक्सचर था तो जरा देखो एक रेसो की वैल्यू दस आ गई तो प्रारंभ में 13 था तो कर लो छपन लीटर right क्लियर है सबको समझ में आ गया भाई विवेक सैफ अली अंकित सब बच्चों को क्या एकदम समझ में आ चुका कि आखिर हम इस क्वेश्चन को कैसे निकाल पा रहे हैं किस हिसाब से हम आसानी से कर पा रहे हैं पक्का है गारंटी है एकदम क्लियर हो चुका तो मुझे लास्ट में छब्बीस जाके जोड़ना था बट इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन जो आपको दे रखा था वो इस मेथड से नहीं हो पा रहा था रीजन था क्योंकि वहां पे मुझे ये दस लीटर वाली वैल्यू नहीं दे रखी थी ठीक है बढ़िया जानदार जबरदस्त अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे मैं डेली पच्चीस क्वेश्चन देता हूं जैसे आपका पेपर होता है कि पच्चीस क्वेश्चन साइंस के बीस क्वेश्चन जीए के आपके लिए भाई तो मरेजरी वाली मैम है नहीं और बाकी मैथ्स के है ना बहुत बढ़िया चलिए ठीक है इसका पीडीएफ आपको रैंकर्स बैच में ही मिलता है सब कुछ आपको रैंकर्स बैच के अंदर मिलता है आइए क्वेश्चन को जरा पढ़िए और देखिए क्या कहता है क्वेश्चन तीन अंकों की अच्छा पांचवा क्वेश्चन आ गया तीन अंकों की एक संख्या हमारे पास कोई दे रखा है जिसके दहाई का अंक चार है क्या सभी के दहाई का अंक चार डिजिट वाला वेरी गुड यार इसके इकाई व सैकड़ा अंकों का योग बारह है छह और छह बारह सात पांच बारह सात पांच बारह आठ छह वेरी गुड यार यदि इकाई अंक और सैकड़े अंक को परस्पर बदल दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से एक कम हो जाती है तो जो नई संख्या मिली वो मूल संख्या से एक कम हो जाती है मुझे लगता है ऑप्शन से कर सकते हो अगर यहां पे इसको चेंज करोगे तो भी छह होगा कोई फर्क पड़ेगा नहीं ये आंसर नहीं हो सकता अगर मैं यहां पे चेंज करूंगा तो ये पांच हो जाएगा यहां पे जो डिफरेंस है वो एक आ रहा ठीक बिल्कुल सही बात है ऑप्शन नंबर बी आंसर और ऐसे क्वेश्चन हमने अभी फ्री में यूट्यूब वाले पे कर रखा था सुबह नौ बजे कल ही तो मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं है कि नहीं समझ में आ रहा है कितना आसान बात होती है और हम कैसे आसानी से कर पाते हैं है कि नहीं चलो अब आते हैं भयंकर कितने बच्चे जो है वो भयंकर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं अब आओ भी इस क्वेश्चंस को जरा पढ़ो और देखो मजा आने वाला यार इस क्वेश्चन में और ऐसे क्वेश्चन मैंने इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है कि अगर आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया तो आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे बहुत तगड़े तरीके से और मेरा विश्वास मानिए मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि नाइनटी बच्चा ये क्वेश्चन छोड़ देता है तब उसके पेपर में आता है ये बात आपको भी पता है और आप खुद उस नाइन्टी में होते हो जो इस क्वेश्चन को छोड़ के चले आते थे लेकिन जब से मैंने बच्चों को आपके यहाँ पे ये चीज पढ़ाई कि पैसे हम टाइम और डिस्टेंस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सेकंडों में उसके बाद शायद ये बच्चा ये क्वेश्चन ना छोड़े जबरदस्त पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िए फिर हम आते हैं क्वेश्चन पे समझते हैं राइफल मैन है और यहाँ पे ग्यारह मिनट पैंतालीस सेकेंड के अंतराल पर वो गोली दागते हैं लेकिन एक रेलगाड़ी से व्यक्ति आ रहा था जो कि कहता है यार मैंने तो ग्यारह मिनट पर सुनी अब बताओ रेलगाड़ी की स्पीड क्या होगी अब रेलगाड़ी की स्पीड आपसे पूछा गया और आपको एक बात उसने कह दी कि धन की गति तीन मीटर पर सेकेंड है ऑप्शन बी इक्यासी बी कहा इक्यासी दे रखा है सी आ रहा और 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 सी आ रहे हैं सभी के सी आ रहे हैं ठीक है कितना बच्चा इस क्वेश्चन को कभी आज तक ऐसा नहीं सोचा कि मैं इस क्वेश्चन को पांच सेकंड के अंदर लगा दूंगा ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने आज तक कभी ऐसा मन में सोचा ही नहीं कभी मन में ऐसा विचार आया ही नहीं कि मैं ऐसे क्वेश्चन भी पांच सेकंड के अंदर लगा सकता हूं जो इतने बड़े और इतना ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन से आओ मैं समझाता हूं बहुत आसानी से समझिएगा देखो होता क्या है क्वेश्चन में आपको पता है कि यहां पे एक चीज बड़ा अच्छे से समझिएगा वहां से मान लो कि भाई हमारे से कोई बच्चे का नाम ले लेता हूं कि आरती का नाम मैं ले लेता हूं है ना आरती बंदूक चला आती है बेटा आपको नहीं आती फिर मान लो है।, तो है।, है।, तो है तो क्या अगर मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा तो मुझे एक ही मिनट पे सुनाई देगी बिल्कुल सुनाई देगी बट ये हुआ कि मैं ऐसे चलता आ रहा हूँ और आरती गोली दागी है तो मुझे वो बंदूक की जो गोली होगी दूसरी वाली वो एक मिनट से पहले सुनाई देगी समझ में आ रहा है अच्छा मतलब ये हो गया कि अगर आदमी रेलगाड़ी से ना आ रहा होता वो वहीं पे खड़ा होता तो आदमी भी 11 मिनट 45 सेकंड पर ही सुनता वो मात्र 11 मिनट पे क्यों सुना क्योंकि वो उस तरफ जा रहा था जिस तरफ से गोली दागी जा रही थी समझ में आ गया अब आओ जरा क्वेश्चन पे समझते हैं बढ़िया से समझिएगा स्पीड में लिखूंगा किसकी उस बुलेट की बुलेट मतलब गोली है, है ना? बुलेट ना चल समझ लेना भाई और उस आदमी की देखो भाई ध्यान से इसका मैंने कंप्लीट पूरा आपको पूरा बता रखा है कैसे कैसे क्या क्या होता है एकदम ध्यान समझेगा है ना भाई ये कह रहा है वो 11 मिनट 45 सेकंड पे चलाया और इसने 11 मिनट के अंतराल पे सुना तो जो बुलेट की स्पीड होती है वो उतनी ही होगी जितने देर में आदमी सुनता है और आदमी की स्पीड उतनी होगी जितना की गैप आता है दोनों चीजों का क्या समझ पाए बुलेट की स्पीड उतनी ही होगी जितने देर में आदमी सुनता है आदमी ने 11 मिनट पे सुना और जो आदमी है उसकी स्पीड उतनी ही होगी जितना की दोनों का डिफरेंस आ रहा है मतलब कि 11 मिनट 45 सेकंड और 11 मिनट का डिफरेंस 45 सेकंड यही उनकी स्पीड होगी तो क्या मैं दोनों को सेकंड में चेंज कर लू ग्यारह गुड़े साठ और यह पैतालीस पंद्रह चौके साठ और पंद्रह तिया पैंतालीस यानी बुलेट की स्पीड आ जाएगी चौवालीस और आदमी की स्पीड तीन आ गई अब बुलेट दागे हवा में तो किस स्पीड से जाएगी जिस स्पीड से हवा चल रही है 330 मीटर पर सेकंड यानी इस चौवालीस की वैल्यू है चौवालीस रेशियो की वैल्यू है मेरे पास 330 मीटर पर सेकंड मुझे क्या चाहिए जरा क्वेश्चन में आओ भैया पढ़ो मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए रेलगाड़ी की स्पीड तो अगर चौवालीस की वैल्यू इतनी है तो ग्यारह चौको चौवालीस ग्यारह तीन तैतीस दो दूनी चार पंद्रह एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी पंद्रह बटे दो मीटर पर सेकंड और मुझे चाहिए था तीन की वैल्यू तो तीन गुड़े पंद्रह बटे दो मीटर पर सेकंड है किलोमीटर बनाओगे तो अट्ठारह बटे पांच से मल्टीप्लाई करो पांच पंद्रह दो नवा अठारह नौ तीस इक्यासी इक्यासी किलोमीटर पर आवर है ना बहुत ही ज्यादा स्लो ट्रेन है इक्यासी किलोमीटर पर आवर और यही आपका बिल्कुल सही आंसर है बिल्कुल इक्यासी इक्यासी ही यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल जबरदस्त आंसर आ रहा है कर पा रहे हो सभी बच्चा एकदम आसानी से लग रहा है यार ये क्वेश्चन बहुत आसान हो चुका है और हम अब बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं लग रहा है पक्का है सबको इजी लग रहा है क्वेश्चन ये एकदम कर पा रहे हैं चलिए शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद बहुत ताकतवर बहुत बढ़िया बहुत शानदार ठीक है तो बस मुझे ये कांसेप्ट याद रखना होता और इससे आसान आज तक कोई कांसेप्ट नहीं बना जो आपको आता हो इससे आसान आज तक नहीं बना बुलेट की स्पीड को हम हमेशा हवा की स्पीड के बराबर करेंगे और क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो जाएगा मजा आ गया ना वाकई इस क्वेश्चन को देख के चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो मैंने ये वाला क्वेश्चन दे रखा था ये रैंकर्स बैच आठवें दिन का सातवें नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी अगर आपने सॉल्व किया तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और अब मुझे नहीं लगता कि शायद आपको क्वालिटी दिखाने की आवश्यकता भी पड़ेगी आपने देख लिया होगा क्या क्वालिटी चल रही रैंकर्स बैच की आपको सिंपल अभी भी यहां पे डिस्काउंट चल और आज आखिरी दिन है डिस्काउंट का बस इसी वजह से मैंने आपको क्वालिटी दिखा दी कि भाई एक बार आप लोग देख लो और रैंकर्स बैच अगर कर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लो आपकी सुविधा के लिए ही होगा नेक्स्ट पे आ जाइए ये एंगल बना हुआ ठीक है एंगल BAC 70 BAC बराबर ये 70 दे रखा है एंगल ACB ACB बराबर आपके लिए ये 45 दे रखा है ठीक है और एंगल DAE D E और A ये एंगल आपको दे रखा एक सौ चालीस और हमसे क्या पूछा बी डी बी डी पूछा पच्चीस और पच्चीस के दूर स्थित दोनों के सम के बराबर होगा तो सत्तर और पैंतालीस एक सौ पंद्रह तो ये हो गया हो गया अच्छा अगर ये एक सौ चालीस हो तो अंदर वाला चालीस होगा क्योंकि ये पूरा लाइन एक सौ अस्सी जाता है एक सौ पंद्रह और एक सौ एक सौ पंद्रह और चालीस ये हो गया आपका एक सौ पचपन तो बच्चा ये कितना होगा पच्चीस होगा क्यों तो, क्योंकि तीनों का समय एक सौ अस्सी तो बहुत आसान क्वेश्चन था कर पा रहे सभी का एक सौ अस्सी आ रहा सब बच्चा इजी तरीके से कर पा रहा कोई परेशानी है कोई दिक्कत है ओके है समझ पा रहे हो कि कैसे हो पा रहा है ऐसा क्वेश्चन ठीक है बढ़िया अगले क्वेश्चन पे एक और ताकतवर क्वेश्चन भयंकर पे भयंकर क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जिससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ऐसे क्वेश्चन जिससे बहुत सारी बातें क्लियर होंगी चलो भाई इस क्वेश्चन को पढ़ो वाई किसी काम को समाप्त करने में एक्स और जेड के द्वारा लिए गए समय का तीन गुना समय लेता है जेड एक्स वाई के द्वारा लिए गए समय का दो गुना समय लेता है तीनों दस दिन में करते हैं तो हर आदमी कितने कितने दिन में करेगा ये नहीं बना था सचिन कह रहे कितने बच्चों का नहीं बना था रैंकर्स में आपको डेली मॉक टेस्ट दिया जाता है इस चीज को ध्यान रखिएगा आसान है ये रमेश जी कह रहे ठीक है, है और नहीं सिर्फ आज के लिए रैंकर्स बैच चल रहा है क्योंकि आज आखिरी दिन है तो मैंने सोचा वह बच्चों को रैंकर्स की क्वालिटी दिखा दी जाए फिर रैंकर्स बनने का सपना अपने आप पूरा होगा नहीं बना था आओ जरा समझो जिन बच्चों का नहीं बना था देखो दोबारा गलती नहीं होगा यहां लिखो वाई यहां लिखो एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड है है ना ये एक्स प्लस जेड लिखते अब अगला यहां जेड प्लस एक्स है और ये वाई है यही तो है दो लोग के बीच में ठीक है इतनी बात हो गया समात करने में गया समय का तीन गुना समय लेता ठीक है देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से यहां मैं समय की बात कर रहा हूं देखो कहता वाई एक्स प्लस जेड से तीन गुना समय यानी अगर एक समय लेते हैं तो ये तीन समय लेता होगा और जेड जो है वो दो गुना समय लेता यानी और उसी प्रकार जेड प्लस एक्स वाई के द्वारा लिए गए समय का उसी प्रकार जेड जो है एक्स प्लस वाई अच्छा ये ऐसे दे रखा है जेड यहां पर ले रखा है ये जेड अलग हो गया और एक्स प्लस वाई अलग हो गया ये समय का दो गुना लेता ठीक है पक्का है ओके है बढ़िया है अब आओ जरा समझना देखो मेरी बात को यहां पर ध्यान से समझना ये मेरे पास क्या दे रखा है टाइम दे रखा है अगर मुझे इफिशियंसी चाहिए होगा तो क्या यही चीज उल्टा हो जाएगी यही चीज उल्टा हो जाएगी क्योंकि इफिशियंसी टाइम का उल्टा होता है

तो क्षमताएं बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा यहां पे तीन आ रहा है तो यहां पे मैं चार का मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहां पे चार आ रहा है तो यहां तीन का ताकि तीन एकम तीन तीन, एक तीन, तीन, तीन 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 का नौ चार एकम चार चार देखो आठ चार बारह ये भी नौ तीन बारह ये भी पूरी क्षमता कितना आ गया बारह आ गया और पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं तीनों मिलकर दस दिन में यानी पूरा काम आ गया एक 120 पूरा काम आ गया जेड की क्षमता चार है तो जेड की क्षमता का निकालना होगा पूरा काम 120 सौ बीस बटे चार यानी जेड का पूरा काम करेगा 30 दिन में तो 30 किस में ऑप्शन है एक में बाकी एक्स और वाई का तो छोड़ ही दो एक ही देखो और ऑप्शन नंबर लगा लो क्लियर है समझ पाए बाल को क्या आसान लग रहा है ये क्वेश्चन अब इजी तरीके से कर पाओगे कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं नोट कर लीजिए जल्दी से नोट कर लीजिए फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बढ़िया ठीक है कुछ भी नहीं था एक व्यक्ति क्या अगर मान लो आपको चाहिए होता किसका

एकदम अगले पे रैंकर्स बैच का नवा क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन क्वेश्चन ये तो आसान है बच्चे इसको बचपन में करते थे है ना जल्दी से बताइए भाई और रैंकर्स बैच की प्राइस कितना है है देखो नीचे चल चल रहा रहा होगा अभी दिन आज चल है। और रैंकर्स बैच जिनको भी ज्वाइन करना होगा आपके लिए दो सौ रुपए की प्राइस थी बट ये फोर्टी परसेंट के डिस्काउंट पे मात्र एक सौ बीस के आसपास ही पड़ेगा और आपको जो कूपन कोड नीचे देखोगे अभी नीचे कूपन कोड भी दिख जाएगा रैंकर्स कूपन कोड है है ना चलिए पढ़िए भैया और बताइए यह सिंपल क्वेश्चन है है ना चलो यह सिंपल क्वेश्चन है यह बच्चा आसानी से कर पाएगा बिना किसी परेशानी के आओ देखो भाई सिंपल है, ये क्या है? का स्क्वायर है, है थ्री बी का स्क्वायर है, है? फाइव सी का स्क्वायर इतनी बात तो चलो क्लियर हो गया अब देखो यह क्या लिख रहा हुआ इसको मैं चाहू टू इंटू थ्री इंटू ए इनको टू इनको तो मैं कुछ नहीं कर सकता मैं ऐसे ही लिख लेता हूं चलो क्या क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा है इतना हो गया बराबर अच्छा चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको मैंने लिखा सिक्स ए बी पंद्रह बी सी और प्लस टेन ए सी अब आपसे कहते भैया ये बता दो ए बी सी में क्या संबंध होगा आ रहा है हाँ हाँ लैपटॉप पे अमेरिका में सब में देख सकते हो बैच ले लिया हो तो आप कहीं भी देख सकते हो दादा ठीक है चलिए पढ़िए पहले आप लोग क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे कुछ दिमाग चल रहा है कि सर ऐसे कर सकते हैं ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं कुछ भी दिमाग चल रहा है आपके पास कुछ भी दिमाग किसी का चल रहा बच्चे का नहीं चल रहा फॉर्मूला पे है ठीक है रैंकर्स का सोल्यूशन यूट्यूब पर क्यों हो रहा सिर्फ आज के लिए हो रहा लक्ष्मण जी किसी बच्चे का कोई दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा और सोच पा रहे हो कि कैसे कर पाएंगे ठीक है बहुत आसान है देखो कुछ भी नहीं करना आपको मैं सिंपल समझाता हूं देखो और मैं और आसान से समझाता हूं देखो इसको भी तोड़ सकते हैं क्या टू एंटू थ्री बी तोड़ सकता हूं इसको मैं तोड़, सकता हूं। 3B into 5C तोड़ सकता हूं और इसको भी मैं तोड़ सकता हूं 5C into 2A. तोड़ सकता हूं भाई अब तीनों को उठा के उधर ले आओ तीनों को उधर ले आओ तो ये आपके लिए बनेगा टू ए का स्क्वायर प्लस थ्री बी का स्क्वायर प्लस फाइव सी का स्क्वायर माइनस थ्री थ्री सी ए वे। क्या ये मुझे उस तरीके से दिख रहा है बराबर जरा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए सभी को दिख रहा है एकदम क्लियर दिख रहा है बढ़िया लग रहा है कि हाँ यार मुझे दिख रहा है अच्छा बढ़िया दिख रहा है तो अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाहर हाफ लगा के मल्टीप्लाई कर दिया एक साइड में तो उधर भी मल्टीप्लाई हाँ तो ना, ना भी लगाओ तो लेकिन आप देखोगे कुछ ना कुछ फॉर्मूला बना क्या फॉर्मूला बना हा बिल्कुल बहुत बढ़िया हाफ ना लगाओ यहां पे है ना अब देखो ये फॉर्मूला बनता है ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके लिए हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर यानी कि थ्री बी माइनस फाइव सी का होल स्क्वायर प्लस फाइव सी माइनस टू ए का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला बन गया अब भाई सिंपल क्वेश्चन है हाफ हट ही जाएगा अब आपको पता तीन चीज के अगर स्क्वायर्स का जीरो आ रहा है यानी कि टू ए बराबर थ्री बी होगा थ्री बी बराबर फाइव सी होगा और फाइव सी बराबर टू ए होगा अब यहां से देखो कुछ मामला बनोगा बना लो है ना ए बराबर थ्री बी बाई टू ऑप्शन नंबर सी ही मुझे लग रहा है नोट कर लीजिए है ना पैसा यहां से देखिए ए बराबर थ्री बी बाई टू बिल्कुल निहाल जी को उनके स्थान पर भेज दीजिए भैया चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पक्का है समझ गया थोड़ा लॉन्ग बना हाँ बिल्कुल लेकिन बढ़िया हाँ क्वेश्चन था देखो यहाँ पे मेरे पास एक चीज समझ में आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या होता है हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर हम इस तरीके से क्वेश्चन सिंपलीफाई आराम से कर पा रहे थे अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे रैंकस बैच का दसवां क्वेश्चन है ना आइए जरा पढ़िए क्वेश्चंस क्या कहता है अगर साइन सीटा प्लस कॉश टीटा बराबर से तो कौन सा सही होगा क्या मैं यहां पे ऑप्शन में कुछ वैल्यू रख के सोच सकता हूं क्या अगर मैंने थीटा की वैल्यू मान लो जीरो तो साइन जीरो जीरो और कॉस जीरो सिक जीरो सिक साइन का उल्टा तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा तो मामला मैं जीरो ले नहीं पाऊंगा मुझे कुछ और वैल्यू सोचनी पड़ेगी तो मुझे ऐसे सोचना पड़ेगा कि क्या मैं यहां पे कोई वैल्यू ले सकता हूं क्या सी आ रहा है इसका अच्छा ठीक है और और जरा सोचिए इसका भी सी आ रहा है बहुत सारे बच्चे सी कह कैसे पूरा सॉल्व कर लिया क्या आप लोगों ने मैं अगर मान वैल्यू ले लेता हूं पैतालीस यहाँ भी पैंतालीस यहां भी पैंतालीस यहाँ भी पैंतालीस अगर मैं 45 ले लूंगा तो साइन पैंतालीस होता है वन अपान रूट टू और कॉस्ट 45 होता है नीचे तो रूट टू का, का मल्टीप्लाई कर लो परमेकरण कर लो तो टू रूट टू ये टू से टू कटेगा यानी ए बराबर रूट टू आ जाएगा है ना और जो बी होगा सेट पैंतालीस होता है रूट टू ये भी रूट टू तो बी जो आएगा वो टू रूट टू आएगा अब ऑप्शन से रख लो जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही क्वेश्चन सही वही ऑप्शन सही तो ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करेगा कैसे करेगा टू इन ए की वैल्यू रखोगे आप रूट टू बराबर बी आएगा टू रूट टू और ए स्क्वायर मतलब टू माइनस वन तो देखो इधर भी टू रूट टू और इधर भी टू रूट टू ये दोनों तरफ सेटिस्फाई ऑप्शन नंबर सी आ गया पक्का है

साठ परसेंट विद्यार्थी अगर पास हुए यानी फेल हुए होंगे और जबकि फेलो है।, सीधे -सीधे तो सीधे -सीधे है तो कुछ पेपर क्वेश्चन आसान आएंगे कुछ पेपर क्वेश्चन कठिन आएंगे और हमें जैसे भी होगा बस हमें बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को करना एकदम गलती नहीं करनी है ठीक है पक्का है ओके है समझ पाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बंटन का माध्य दे रखा बताइए तो अभी पूछा जाएगा, तो मानक विचलन डिवाइड बाई माध्य इंटू हंड्रेड कटा पान में पचास परसेंट यही फॉर्मूला होता है मैंने आपको भले नहीं पढ़ाया अगर आपने पढ़ा होगा कहीं तो फिर ठीक है और नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है बैच लेने पर बिल्कुल लैपटॉप पे देख सकते हैं महेश कुमार जी इस चीज को ध्यान रखिएगा और सभी बच्चा आपका जो ये कोर्स खत्म होगा पंद्रह सितंबर तक का आप रैंकर्स बैच को कभी भी देख सकते हो पंद्रह सितंबर तक का रैंकर्स बैच देख सकते हो पंद्रह सितंबर तक का ग्रुप डी भी देख सकते हो और रैंकर्स दोनों का दोनों देख सकते हो तो अगर आप अभी भी रैंकर्स या ग्रुप डी कोई भी ज्वाइन करोगे तो रैंकर्स पे तो फर्ट्टी का डिस्काउंट चल रहा है बट अगर आपको अगर कोई भी ज्वाइन करोगे तो फिर भी आप उसे पंद्रह सितंबर तक का आराम से देख सकते हो और रैंकर्स बैच में तो अभी लाइव क्लासेस भी चल रही है यदि किसी दो अंकों वाली संख्या के परस्पर अंक बल दोगे तो बनी संख्या के योग 110 है वह संख्या ज्ञात करो जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से चार कम है देखो उसने कहा इकाई वाला कम होना चाहिए क्या यहां पे इकाई कम है नहीं ये तो इकाई वाला ज्यादा है क्या यहां पे कम है नहीं ये ज्यादा है ठीक है चार कम होना चाहिए या तो बी होगा या तो सी होगा बट अगर मैंने उसको उल्टा किया तो जोड़ने पर एक आना चाहिए तो तिहत्तर और सैंतीस को जोड़ो जरा सा सात तीन दस सात तीन दस ग्यारह भैया यही आ रहा है

पांच साल के बाद मेरी आयु पांच साल हो गए मेरी आयु पुत्र की आयु से ढाई गुनी हो जाएगी तो अगर ये एक साल के तो ये ढाई भुगना हो गया है ना क्या मैं इसको और बढ़िया तरीके से नहीं लिख सकता क्या ढाई है तो मैं इसको लिख दू पांच और इसको मैं लिख दू तो मैंने दोनों में दो का मल्टीप्लाई कर दिया लिख सकता हूं ठीक है अब देखो भाई ये लेकिन चीजें कब हुई ये हुई आपकी पांच साल के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो छह पांच एकनम पांच एक रेशो का डिफरेंस पचोन पच्चीस पांच दस एक रेशो बराबर पंद्रह तो पंद्रह पैतालीस और पंद्रह पंद्रह क्या क्वेश्चन तो फादर बात ये बोल रहे हैं तो फादर की आयु क्या होगा सिंपल सी बात याद रखना पैतालीस साल होगा कर पाए पैतालीस साल पैंतालीस साल पैंतालीस साल सबका आंसर आ रहा फादर की आयु पैतालीस साल बिल्कुल आसानी से आ रहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है जिसको मैंने यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में पढ़ा रखा किसी बच्चों को इसके लिए कोई वह भी नहीं है कि भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे है आराम से मैंने पढ़ा रखा नेक्स्ट पे एक घंटे में भरता है तली में छेद हो गया एक घंटा अधिक लेगा मतलब सिर्फ फिल करने वाला पाइप है तो नौ घंटा लेता है अगर फिल और आउटर दोनों काम कर रहे हैं आउटर के लिए माइनस लगा दो तो एक घंटा ज्यादा यानी कि अब दस घंटा लेगा एल्सियम बोलो नौ दहाई में नब्बे दस नवा नब्बे अगर सिर्फ फिल वाले की क्षमता दस दे रखा है तो आउटर की क्षमता एक होगी और आउटर वाला कितने देर में टंकी खाली करेगा तो नब्बे लीटर की पूरी टंकी इसकी क्षमता एक है यानी नब्बे घंटे में खाली करेगा नब्बे आ रहा है नब्बे आएगा उसने मुझे आधा नहीं कहा उसने कहा अगर पूरा भरा हुआ है तो कितनी देर में खाली होगा तो अगर उसने आधा पूछा होता तो, तो बात अलग थी उसने वो ये बात कहा कि भैया पूरा टंकी भरा हुआ तो नब्बे का नब्बे घंटा वो पूरा का पूरा लेने वाला है इसके लिए आपको एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है कर पाया ऐसा क्वेश्चन आसान लग रहा है बहुत ताकतवर बहुत बढ़िया सभी के बी आंसर नब्बे, 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 नब्बे लीजिए सभी लोग बट्टे पर बेचता चार परसेंट का प्रॉफिट होता अंकित मूल क्रय मूल्य से कितना परसेंटेज ज्यादा होगा यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया अंकित मूल क्रय मूल्य से कितना परसेंटेज ज्यादा होगा अब आप चाहो तो ऑप्शन से भी सोच सकते हो है ना जैसे मान लो मैंने लिया अंकित मूल्य क्रय मूल्य से तीस परसेंट ज्यादा यानी सौ का सामान उसने एक सौ तीस में लगा दिया अगर मैं ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट दे रहा हूं यानी अगर मैं अस्सी 80, परसेंट 80 बेचूंगा तो तेरा एक सौ चार में बेच रहा हूं डायरेक्ट मुझे चार का प्रॉफिट हो रहा ऑप्शन नंबर ए टिक कर दो क्यों हम दिमाग लगाने जब भाई जब मुझे पता है कि मैं आराम से क्वेश्चंस को ऑप्शन के ही थ्रू सॉल्व कर पा रहा हूं तो मैं ज्यादा दिमाग क्यों लगाऊं मैं ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाऊंगा समझ पाए तीस बाई ऑप्शन वेरी गुड है बहुत बढ़िया लगा अगर आप ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बढ़िया से सॉल्व कर पाओगे गलती भी नहीं होगी नेक्स्ट पे आ जाओ ए पच्चीस दिन में बी बीस दिन में पांच दिन दोनों मिलकर काम करे ए चला गया शेष काम बी कितने दिन में कर पाएगा कौन सा बच्चा अब इस क्वेश्चन को नहीं कर पाता है है कोई ऐसा बच्चा जो नहीं कर पाता सब कर लेते भाई ए काम करता पच्चीस दिन में और बी वही काम करता बीस दिन में एनसेम बोलो भैया सौ पच्चीस चौका सौ बीस पंचीस सौ पांच दिन काम हुआ तो पांच चार नौ काम एक दिन हो रहा है पांच दिन काम करेंगे तो पैतालीस काम कर डालेंगे और काम करेंगे तो अब काम कितना बचा रहेगा पचपन अब कौन चला गया ए चला गया सिर्फ बी कितने दिन दिन में में करेगा करेगा तो बी बी की क्षमता है यानी उसने ये नहीं पूछा पूरा काम कितने दिन में उसने ये, पूछा, उसने ये पूछा कि बी कितने दिन, तो दिन में करेगा तो बी करेगा ग्यारह दिन में दिन दिन तो दिन 11 दिन लग रहा आसान कि यार बहुत आसान है आसानी से कर पा रहे तो ऐसे प्रैक्टिस होती है आपकी जबरदस्त तरीके से ताकि आपको क्वेश्चंस में कोई परेशानी ना हो क्वेश्चंस कर पाओ दो प्रत्याशी थे पहला प्रत्याशी को तिरालीस परसेंट वोट मिला चार सौ बीस वोटों की बहुमती से नामंजूर कर दिया जाता है बताओ कुल कितने वोट पड़े अगर एक आदमी को तिरालीस मिला होगा तो दूसरे को सैंतालीस परसेंट मिला होगा सात तीन दस चार, चार सैतालीस नहीं सत्तावन मिला होगा भाई इसको तो खतरनाक प्राणी है तो सत्तावन मिला होगा है ना दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है तिरालीस दस तिरपन चार सत्तावन चौदह आ रहा है और चौदह की वैल्यू उसने चार सौ बीस कार बयालीस एक की वैल्यू तीस तो मुझे सौ की वैल्यू चाहिए तीन हजार क्योंकि टोटल वोट चाहिए था ये तो तीन हजार टोटल वोट आ जाएंगे किसका आ रहा भाई तेरह सो तो जिंदगी में नहीं आएगा इसका तीन हजार ही आने वाला है ठीक है तीन हजार तीन हजार तीन हजार बिल्कुल आएगा बिल्कुल तीन हजार टोटल वोट आ जाएगा ठीक है अगला यदि इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना तो एक्स और वाई की वैल्यू कितना आएगी है ना ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया दो इक्वेशन आपके पास दे रखे हमें एक्स और वाई की वैल्यू उसने सिंपली तरीके से पूछी भाई मेरे ये बता दो कितना आने वाला है कुछ दिमाग लगाइए और अगर आपने एक्स की या वाई की कोई भी एक वैल्यू निकाल दी तो क्वेश्चन आप सिंपली सॉल्व कर जाओगे और 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 सी बाय ऑप्शन कह रहा भाई बाय ऑप्शन हमने सी कर लिया वेरी गुड अगर ऑप्शन से कर पाओगे तो बहुत बढ़िया पच्चीस देखो भाई ऑप्शन सी लगा दो बहुत बढ़िया पचोम पच्चीस टू फाइव आ जाएगा सात सत्य उनका नौ पांच चौदह ऑप्शन नंबर सी वाई ऑप्शन क्यों दिमाग हम लगाने जाए सी वाई ऑप्शन सिंपल हो गया है ना बाई सी ऑप्शन बहुत शानदार यार जबरदस्त बेटा बहुत जबरदस्त है ना बहुत शानदार ठीक है बहुत जबरदस्त बढ़िया लगा इसको अगर ऑप्शन से अगर आपने करा भी होगा सोचा भी होगा तो मजा आ जाएगा

यहां मैंने लिखा हिरन और यहां पे मैंने लिख दिया मोर ठीक देखो मेरे पास टोटल पैरों की संख्या दो दे रखी है दो सौ दे रखी है और कुल सिर अस्सी यानी अस्सी लोग तो होंगे ही होंगे अगर मान लो अस्सी के अस्सी हिरन हो जाएंगे तो आठ चौक बत्तीस यानी तीन सौ बीस पैर हो जाएंगे अगर अस्सी के अस्सी मोर हो जाएंगे तो एक सौ साठ पैर होंगे अब देखो यहां आगे एक सौ बीस और यहां गया चालीस एक और तीन का रेशियो बनना लेकिन हमारे हिसाब से टोटल चार नहीं टोटल अस्सी थे तो एक की वैल्यू आपके पास बीस आ जाएगी तो बीस एक नम बीस और बीस यानी बीस हिरन और साठ मोर है तो क्या हमारे पास यही ऑप्शन आ रहा है कितने मोर हैं तो साठ मोर है ऑप्शन नंबर ए साठ इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन साठ 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 आपको करना होगा ठीक है चलिए साठ बिल्कुल बाई ऑप्शन करिए चाहे जैसे करिए साठ आपको लेकर आना है बिल्कुल 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 चलिए ठीक बाकी बचे पांच आपको पीडीएफ मिलेंगे आपको ये खुद से सॉल्व करना है है ना बाकी बच्चे पांच खुद से सॉल्व करना ये रैंकर्स वालों के लिए है खुद से उन्हें सॉल्व करना बाकी जो ये पांच बच्चे हैं ठीक है रैंकर्स पक्का है जिनको रैंकर्स बैच ज्वाइन करना होगा फोर्टी परसेंट का डिस्काउंट है लिंक मिला हुआ तुरंत ज्वाइन कर लिए आज इसका आखिरी दिन है ताकि आपको रैंकर्स में एडमिशन मिल पाए आपको फायदा मिल पाए ओके चलिए थैंक यू सो मच गाइज